हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं वन मंथ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूं। तो मैंने जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया, जिम सारे बंद हो चुके हैं, लॉकडाउन लग गया है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रोकूंगा, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा होम वर्कआउट से। होम वर्कआउट में जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो हमने एक जिम सेटअप तैयार किया था, मेरे दोस्त के घर पे है वो। हमारे पास 75 kg तक का प्लेट है। तो हमने ये कैसे क्रिएट किया, कैसे, ये एक देसी जुगाड़ है, ये कोई हमने ऑनलाइन नहीं खरीदा, ये एक देसी जुगाड़ है। 75 kg तक का प्लेट है हमारे पास और ये हमने सिर्फ तैयार किया था 1200 रुपए में। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा ताकि मैं आपको वीडियो को एंड में बता सकूं कि ये सेटअप हमने कैसे तैयार किया है। तो आज मैं जाने वाला हूं अपने दोस्त के घर और एक फुल बॉडी वर्कआउट लगाने वाला हूं। तो आप वीडियो के साथ बने रहना ये जानने के लिए कि मैंने ये कैसे बनाया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं अपने दोस्त के घर आ चुका हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम वर्कआउट करने वाले हैं। आपको पीछे मेरा सेटअप दिख रहा होगा, बारबेल है, उस पर वेट्स एडेड है। वेट्स आपको देखकर एक ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग आ रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वर्कआउट करेंगे और वर्कआउट के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सेटअप है मैंने क्रिएट कैसे किया, कैसे बनाया हमने इसको मिलकर, और सिर्फ इसको बनाने में 1200 रुपए लगा है। तो आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा ये जानने के लिए कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया है। आप ऑनलाइन जो वेट्स देखते होंगे वो आपको 80 kg का वेट आपको 8000 का पड़ेगा, लेकिन ये 75 kg, अप्रोक्सीमेटली 75 kg का वेट है जो हमें सिर्फ 1200 रुपए का पड़ा है। इससे आप पूरे बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं। और ये जो सेटअप है जो आपको पीछे दिख रहा होगा, ये सेटअप हम बढ़ाने वाले हैं वेट्स और लाने वाले हैं। ये सेटअप जो मैंने बताया 75 kg का है, हम और वेट्स लाने वाले हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 150 kg तक करेंगे ताकि हम एक डिसेंट डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बताने वाला हूँ आपको कि हमने ये पूरा सेटअप कैसे क्रिएट किया, कैसे बनाया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो वेट्स आपको दिख रहा है, जो प्लेट्स आपको दिख रहा है, वो एक्चुअली वो प्लेट नहीं है, वो एक ट्रॉली का चक्का है। अगर आपकी सिटी में स्क्रैप यार्ड या फिर जंक यार्ड होगा तो आपको ये ट्रॉली का चक्का वहाँ मिल जाएगा। ये ट्रॉली का चक्का जितना आपको दिखता होगा कि ये ज़्यादा हैवी नहीं है। ये जो हमारे पास जो ट्रॉली का चक्का है वो 16 kg का है। और जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि वहाँ पे दो ट्रॉली का चक्का और था जो कि 26 kg ईच था। दोनों ट्रॉली चक्का मिला के वो 52 kg का हो रहा था। तो हमने वो लेना प्रेफर नहीं किया, हमने ये लेना प्रेफर किया क्योंकि हमें ज़्यादा प्लेट्स चाहिए था ताकि हम ऐड कर सके, हर सेट के बाद प्लेट्स ऐड कर सके, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सके। तो क्या होता है कि अगर 26 kg का एक प्लेट रहेगा, उसके बाद कोई प्लेट नहीं रहेगा, तो हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये पूरा दिमाग में रख के ये चीज़ को, ये सेटअप को क्रिएट किया है ताकि अगर कोई बिगनर भी, जो हमारा दोस्त हो जो बिगनर है, वो अगर आके वर्कआउट करे वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सके। और मैं बता दूँ, इस बारबेल और जो वेट्स है, जो डंबल है, जो वेट प्लेट है, उसके अलावा भी हमारे पास एक डंबल सेटअप है। डंबल हमने ये देसी जुगाड़ किया है। कैसे किया है, एक पीवीसी पाइप को, आपके घर में पीवीसी पाइप होगा, नहीं होगा तो वो स्क्रैपयार्ड में आपको मिल जाएगा। ये पीवीसी पाइप को अगर आप देखेंगे तो हमने ये चार जगह ड्रिल किया है। चार जगह ड्रिल करके सेंटर से, जो आपको सामने में जो ड्रिल दिख रहा है सेंटर से, ये ड्रिल हमने इसलिए किया ताकि अगर हम कोई भी वेट ऐड करेंगे तो वो आपके हाथ में नहीं लगेगा, ये एज अ बैरियर काम करेगा। और जो आखिर के ड्रिल है, जो एट द एंड है, टुवर्ड्स द एंड है, ये हमने इसलिए किया ताकि अगर हम वेट ऐड करेंगे तो ये उसको स्टॉप करेगा बाहर गिरने से। ऐसा हमारे पास दो है और वो बारबेल है। तो बारबेल में भी हमने सेम चीज़ किया है। बारबेल के सेंटर से अगर आप देखेंगे तो सेंटर टुवर्ड्स द एंड हमने दो ड्रिल किया है ताकि वेट को रोक सके, वो अंदर नहीं आए। हमने उसको प्रॉपरली मेजर किया है ताकि वो इक्वल रहे, वेट इक्वली डिवाइडर रहे, ना ज़्यादा एक तरफ, ना ज़्यादा अंदर एक तरफ, ना ज़्यादा बाहर। हमने उसको प्रॉपरली मेजर करके उसको वहाँ से ड्रिल किया है। अब इस तरह के वेट्स, इस तरह का प्लेट्स आपको अगर आप ऑनलाइन लेने जाओगे तो हमारे पास जो सेटअप है वो 25 kg का है और हम आगे चलकर इसको और बढ़ाना
बढ़ाने वाले हैं ताकि हम प्रॉपर एक डेडलिफ्ट ज़्यादा वेट के साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सके, प्रॉपर स्क्वाट लगा सके। हमने ये भी सोचा कि हम दीवार जो हमारा वॉल है उससे ड्रिल करके एक स्क्वाट रैक बनाएंगे और एक पुलअप बना लेंगे, पुलअप बार लेकर आएंगे उसको भी ड्रिल करके लगा लेंगे ताकि हमारे पास एक डिसेंट होम जिम सेटअप तैयार हो सके। तो इसलिए हमने सिर्फ ये सेटअप अभी हमारे पास है, हम इन फ्यूचर और प्लेट्स ऐड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं इन फ्यूचर इस ये देसी जुगाड़ से और सारे हर बॉडी पार्ट का वर्कआउट सीरीज लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।